गुणा की वैदिक गणित विधियां पहली विधि है ऊर्धती विधि इस विधि में सूत्र तीर्यक भ्याम का उपयोग किया जाता है सूत्र का अर्थ उर्ध्व का मतलब लंबवत और तीर्य का मतलब तिरछा इकतालीस और अड़तीस का गुणनफल भ्याम सूत्र के प्रयोग से निकालना है इस सूत्र की मदद से तीन चरणों में इस गुणनफल को ज्ञात करेंगे पहले चरण में इकाई के स्थान पर अंकों का उर्ध्व गुणनफल फल निकाला जाएगा द्वितीय चरण में दोनों अंकों को साथ में लेते हुए तीर्य गुणा कर उनका योगफल निकाला जाएगा और तीसरे चरण में दहाई के अंकों का उर्ध्व गुणनफल फल निकाला जाएगा आठ का एक से उर्ध्व गुणनफल आठ यहां तीरिया गुणनफल के साथ योग निकालना है बत्तीस धन तीन पैंतीस और यहां पर चार और तीन का ऊर्ध्व गुणनफल बारह हुआ अब हर चरण से इकाई के अंक लेकर दहाई के अंक को अगले चरण में हासिल के रूप में लिया जाता है और उसमें जोड़ा जाता है तो द्वितीय चरण में जो पैंतीस आया है इसमें पांच इकाई को हम लोग यहां रखेंगे और तीन को अगले चरण में जोड़ेंगे तो इस प्रकार जो हल होगा इस दी गए प्रश्न का वो होगा एक हजार